जय श्री कृष्णा। मैं हूं डॉक्टर हिना ओझा, मुंबई से इंटरनेशनल इशरो फाउंडेशन वुमेन्स प्रेसिडेंट, कॉस्मिक एनर्जी सेंटर, एसोसिएशन ऑफ द साई बिजनेस क्लब। तो आइए हम ये वीक का टैरोट कार्ड के ऊपर मेष से मीन राशि का प्रेडिक्शन करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं मेष राशि। तो ये वीक के लिए मेष राशि क्या कहती है, मेष राशियों के लिए ये वीक कैसा है। थोड़ा मून शाइन दिखा रहा है तो थोड़ा ध्यान रखना है, पूनम आ रहा है तो ये वीक के लिए, तो हो सके तो आपको रात को चंद्रमा के दर्शन करने। कहीं पे गुड न्यूज़ भी आ रहे हैं कि कहीं पे फॉरेन की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, एक के सपोर्ट से जाएंगे दूसरा सपोर्ट वहाँ पे मिल जाएगा। और आपका जो भी नया बिजनेस करना चाहते हो या तो कुछ भी नई जॉब करना चाहते हो वहाँ पे आपका प्रमोशन होगा। और नया बिजनेस है तो वो साल में 2 महीने आपका इतने अच्छे जाएंगे कि आप मनी काउंट करने का भी टाइम नहीं मिलेगा। और लकी नंबर रहेगा आपका रेड कलर, मरूनीस कलर और हो सके तो येल्लो कलर। लकी नंबर है आपका 2 नंबर और 3 नंबर। तो आपको क्या करना है, रात को चंद्रमा के दर्शन करने हैं और हो सके तो नॉर्थ ईस्ट दिशा में गाय का घी का दिया जलाना है और वहाँ पे भोग में पीली मिठाई धरानी। तो आपका जहाँ भी काम रुका हुआ है तो वो काम आपका हो जाएगा। अभी आ रही है वृषभ राशि। तो वृषभ राशि ये वीक के लिए क्या कहती है, वृषभ राशियों के लिए ये वीक कैसा है। वृषभ राशियों के लिए ये भी थोड़ा मध्यम दिखा रहा है, आपको पता नहीं चल रहा है मैं क्या करूँ कि कौन से रास्ते पे जाऊँ समझ में नहीं आ रहा। तो आपको क्या करना है, हो सके तो आपको कोई भी एक रास्ता चुनना है, कोई वो रास्ता आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको हो सके तो क्या करना है कि कोई भी जो भी डिसीजन ले वो सोच समझ कर लेना है, सबके साथ हिल मिल के बातचीत करें, आगे बढ़िए और हो सके तो फैमिली लाइफ इंजॉय कीजिए। कभी कभी घूमने भी जाने, जो छोटी पिकनिक भी हो सकती है, ट्रैवलिंग भी, घूमना फिरना, कई बच्चे हो, कई नई गुड न्यूज़ भी आ सकती है, योग युक्ति के शादी के योग भी बन रहे हैं। जो भी डिसीजन ले दो जन को पूछ के आगे बढ़े तो आपका काम हो जाएगा। लकी नंबर रहेगा आपका 1 नंबर और लकी कलर रहेगा आपका येलो ऑरेंज और ग्रीन कलर। हो सके तो आपको क्या करना है कि ईस्ट दिशा में पूर्व दिशा में जल चढ़ाना है सूर्य देव को और वहाँ पे आदित्य हृदय का स्त्रोत का पाठ भी कर सकते हो और हो सके तो गायत्री माला एक जप, गायत्री जप का एक माला करनी है तो उससे काफ़ी परेशानी आपकी दूर हो जाएगी। अभी आ रही है मिथुन राशि। तो मिथुन राशि ये वीक के लिए क्या कहती है, मिथुन राशियों के लिए ये वीक बहुत ही अच्छा है। कुछ गुड न्यूज़ आ रहा है, कुछ अपॉर्चुनिटी आ रही है और 2 अपॉर्चुनिटी है तो वो एक्सेप्ट कर लीजिए, बहुत ही अच्छा है। और रानी और राजा की तरह राज करने वाले हो, आपका मान प्रतिष्ठा सब जगह पर बढ़ रहा है और बहुत ही आगे बढ़ रहे हो, पीछे मुड़कर आपको देखना नहीं है। लकी नंबर रहेगा आपका 3 नंबर और 9 नंबर, लकी कलर रहेगा आपका रेड और येलो कलर। और हो सके तो आपको क्या करना है, साउथ दिशा में आपको 2 मसाला पान रखना है और वो प्रसाद के तौर पे आपको लेना है तो उससे काफ़ी परेशानी दूर हो जाएगी। और हो सके तो मंगल स्रोत का पाठ कीजिए डेली तो उससे परेशानी दूर हो जाएगी। अभी आ रही है कर्क राशि। तो कर्क राशि ये वीक के लिए क्या कहती है, तो कर्क राशियों के लिए ये वीक कैसा है। तो कर्क राशियों के लिए ये वीक बहुत ही अच्छा है, कुछ गुड न्यूज़ दिखा रहे हैं बच्चों के लिए, तो कहीं पे सूरज की तरह चमकने वाले दिन भी आ रहे हैं, बहुत ही अच्छा है। आपके पास जो एनर्जी है उसका सही इस्तेमाल कीजिए, कहीं भी आप ये एनर्जी को जो जिसको नहीं चाहिए उसको एनर्जी देने की ज़रूरत नहीं है, जो आपकी एनर्जी को जानता है उसको ही आप एनर्जी दीजिए, नहीं तो वेस्ट मत कीजिए। और आपका नया बिजनेस हो तो वो बिजनेस बहुत ही अच्छा जाने वाला है, उसमें से 2 महीने तो बहुत ही अच्छा जाएगा कि आपको मनी काउंट करने का टाइम भी नहीं मिलेगा। तो हो सके तो आपको क्या करना है, लकी नंबर रहेगा आपका 4 नंबर और लकी कलर रहेगा आपका रेडिश मरून कलर, क्रीम येलो कलर और ऑरेंज कलर। हो सके तो साउथ वेस्ट दिशा में आपको 10-12 कपूर और 10-11 गोमती चक्र वहाँ पे रखना है, साथ में 11 लौंग और 11 ब्लैक पेपर और वो रख के वहीं पे रखना है। और हो सके तो 1 वीक के बाद उसको बर्न करना है, गोमती चक्र निकाल लेना है और उसको आपको वहाँ पे एक कांच की कटोरी लेके उसमें रख देना है, उसमें उससे काफ़ी फायदा होगा। और हो सके तो रात को सोने के टाइम पे 2 अगरबत्ती वहाँ पे जलाइए। अभी आ रही है सिंह राशि। तो सिंह राशि ये वीक के लिए क्या कहती है, सिंह राशियों के लिए ये वीक कैसा रहेगा। थोड़ा मध्यम दिखा रहा है, कहीं पर नया बिजनेस करने की सोच रहे हो, पार्टनरशिप करना सोच रहे हो तो वहाँ पर आप लेडीज के साथ एक पार्टनरशिप कर सकते हो, हस्बैंड वाइफ भी पार्टनरशिप कर सकते हो। और हो सके तो अभी आप बहुत ही अच्छे सबको एडवाइस देते थे, सबका काम हो जाता था, लेकिन आप खुद के लिए एडवाइस खुद के लिए नहीं ले सकते, आप दूसरे की एडवाइस लेना चाहते हो तो आप दूसरे की एडवाइस नहीं लेनी है, क्योंकि आप दूसरे की एडवाइस लेते हो तो वो आपको गलत रास्ते पे लेके जाता है। तो थोड़ा ध्यान रखना है, आप अपना ही खुद ही एडवाइस लीजिए तो और आगे बढ़िए।
और आप खुद एक पराक्रमी हो और खुद ही काबिलियत भी हो तो आगे बढ़िए। लकी नंबर रहेगा आपका 3 नंबर, 9 नंबर, और लकी कलर रहेगा आपका मरूनीज रेड कलर और ग्रीन कलर। हो सके तो आपको क्या करना है कि नॉर्थ ईस्ट दिशा में गाय का घी का दिया जलाना है, और थर्सडे के दिन आप 5 गरीबों को तली हुई चीज़ जैसे पीली चीज़ मिठाई खिला सकते हो, या तो लड्डू भी खिला सकते हो मोतीचूर के, या तो पावड़े भी खिला सकते हो, तो उससे काफ़ी परेशानी आपकी दूर हो जाएगी। 5 थर्सडे आपको ऐसे करना है, उसे अच्छा रहेगा। अभी आ रही है कन्या राशि, तो कन्या राशि ये वीक के लिए क्या कहती है, तो कन्या राशियों के लिए ये वीक बहुत अच्छा है। युवक युवती के शादी के योग भी बने गए, इसे मनी प्राप्ति हो रही है, तो बहुत ही अच्छा वीक है आपके लिए। कहीं पे मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ रहा है, बहुत ही अच्छा है। लड़का लड़की अच्छी मिलेगी, लड़की को लड़का भी अच्छा मिलेगा, और पैसे वाले भी होगा, खुद के पैरों पे खड़ा होगा और खुद का बिजनेस भी करता होगा, तो ये वीक के लिए अच्छा है। लकी नंबर रहेगा आपका 7 नंबर, और लकी कलर रहेगा मिक्स एंड मैच कलर, येलो कलर और रेड कलर। और हो सके कि जो भी भगवान को मानते हो वही भगवान को आपको ध्वजा चढ़ानी, तो आपका काफ़ी काम अच्छा हो जाएगा। अभी आ रही है तुला राशि, तो तुला राशि ये वीक के लिए क्या कहती है, तुला राशियों के लिए ये वीक कैसा है, तो तुला राशियों के लिए ये वीक अच्छा दिखा रहा है। वंश परंपरागत दिखा रहा है कि आपके मदर और फादर की एंगेज अरेंज मैरिज हुए, तो आपकी भी अरेंज मैरिज होगी। आपके फादर खूब जॉब करते हैं, तो आप भी जॉब करेंगे, बिजनेस करते हैं तो बिजनेस करेंगे। ये वंश परंपरागत कार्ड दिखा रहेगा, इससे अपॉर्चुनिटी आ रही है, तो आप उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। रात को सोने के टाइम पर आपको काफ़ी नेगेटिव साइन दिखा रहा है, कहीं पे कुछ आप एकदम कंफ्यूज हो जाते हो, तो रात को आपको खाली भगवान सोने के टाइम पर आपको भगवान को याद करना है, सोने टाइम पर, और उठते के टाइम भी भगवान को याद करना है। और हो सके तो एक पानी का ग्लास भरना, उसमें फटकरी डाल देनी है, और रात को सोने टाइम में सिरहाने पे रख दो, तो और सुबह में उठ के उसको पानी को फ्लश आउट कर दीजिए, या तो आप कबूतर को डाल दीजिए, जो भी नेगेटिव पूरी बॉडी के सारी चली जाएगी और आपको अच्छा आएगा, नींद अच्छी आ जाएगी। लकी नंबर रहेगा आपका 9 नंबर, 5 नंबर। लकी कलर रहेगा आपका येलो और रेड कलर, तो ये अच्छा रहेगा। और हो सके तो साउथ दिशा में आपको वहाँ पे सरसों का तेल का दिया जलाना है, तो काफ़ी, और उसके अंदर 2 लौंग डालनी है, तो नेगेटिव भी सारी चली जाएगी। अभी आ रही है वृश्चिक राशि, तो वृश्चिक राशि ये वीक के लिए क्या कहती है, वृश्चिक राशियों के लिए ये वीक थोड़ा चेंजेस दिखा रहा है, तो थोड़ा कुछ मध्यम दिखा रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस होने जा रहा है, मोड आ रहा है कुछ, और अपने आप को जस्टिफाइड करना है और उसमें आगे बढ़ना है। कहीं पे आपको मान सम्मान और कीर्ति भी बढ़ रही है, तो ये भी मध्यम रहेगा आपके लिए। हो सके तो किसी के साथ भी गलत फैसला नहीं करना है। लकी नंबर रहेगा आपका 6 नंबर, 9 नंबर, और हो सके तो साउथ ईस्ट दिशा को खास ध्यान रखते हुए वहाँ पे आपको गाय के घी का दिया जलाना है, उससे काफ़ी परेशानी दूर हो जाएगी। और वहाँ पे एक कांच की कटोरी में थोड़ा एक मुट्ठी भर के चावल रखना है, और डेली चेंज करना है, और कबूतर को डाल देना है, तो जो भी नेगेटिविटी वो सारी चली जाएगी। लकी कलर रहेगा रेड कलर और ग्रीन कलर। अभी आ रही है धनु राशि, तो धनु राशि ये वीक के लिए क्या कहती है, धनु राशियों के लिए ये वीक कैसा रहेगा, तो धनु राशियों के लिए ये वीक बहुत ही अच्छा दिखा रहा है। अभी आपका पास्ट लाइफ खत्म होने को आ रहा है, बहुत ही अच्छे दिन आ रहे हैं आपको। भगवान खुद आपको बहुत ही अच्छी विद्या दी हुई, बहुत ही अच्छी एनर्जी दी हुई, तो उसको आप इस्तेमाल कीजिए, आप उसको छुपा के मत रखें। और कहीं पे पूरी दुनिया घूमने वाले हो। लकी नंबर रहेगा आपका 10 नंबर, और लकी कलर रहेगा आपका ग्रीन कलर और ऑरेंज कलर। और हो सके तो आपको ईस्ट दिशा में सूर्यदेव उठे, सूर्यदेव के पहले अर्घ चढ़ाना है जल से, या तो आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ कीजिए, तो उससे काफ़ी परेशानी आपकी दूर हो जाएगी, और आपके जो भी प्रॉब्लम्स है वो कट हो जाएगा। हो सके तो वहाँ पे एक कपूर और एक लौंग जला सकते हो। अभी आ रही है मकर राशि, तो मकर राशि ये वीक के लिए क्या कहती है, मकर राशियों के लिए ये वीक बहुत ही अच्छा दिखा रहा है। पूरी दुनिया घूमने वाले, वर्ल्ड दिखा रहे हैं, और एक के सपोर्ट से जाएंगे, 2 सपोर्ट और मिलने वाले हैं, सब जगह पे आपकी विजय प्राप्त हो रही है। स्टार कहीं पे मनी के योग भी बन रहे हैं, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, सारे तत्व दिखा रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा वीक है आपके लिए सब जगह पे। और आप पीछे मुड़के नहीं देखना है, आगे बढ़ते रहिए। लकी नंबर रहेगा आपका 3 नंबर, 9 नंबर और 1 नंबर, तो खास ध्यान रखना है कि 3 नंबर की रेमेडी करनी है, तो हो सके तो गुरु
थर्सडे के दिन आपको हो सके तो येलो कलर के क्लॉथ पहनने हैं और येलो कलर की मिठाई 5 जन को खिलानी है गरीबों को, तो उससे काफी परेशानी आपकी दूर हो जाएगी। अभी आ रही है कुंभ राशि, तो कुंभ राशि ये वीक के लिए क्या कहती है? कुंभ राशियों के लिए ये वीक कैसा रहेगा? कुंभ राशियों के लिए ये वीक थोड़ा मध्यम दिखा रहा है। कहीं पे आप सोच रहे हो कि मुझे कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, कि कुछ अपॉर्चुनिटी में, तो आपको अचानक से जहाँ भी रुके हो वहाँ पे आपको आपकी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। रानी और राजा की तरह काम करने वाला आपका सिक्स सेंस वेरी पावरफुल है, आगे बढ़ते रहिए। और कहीं पे हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में प्रॉब्लम हो सकते, तो थोड़ा ध्यान रखना है आपको। जो भी प्रॉब्लम है आप आपस में बैठ के बात कर लीजिए और सॉल्व कर दीजिए, तीसरे किसी को इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है आपकी परेशानी, नहीं तो वो बढ़ा सकते हैं। लकी नंबर रहेगा आपका 2 नंबर। और हो सके तो आपको क्या करना है, रात को चंद्रमा के दर्शन करने हैं, और हो सके तो आपकी जो कुल देवी उसकी कुछ भी मन्नत ले लीजिए, आपका कार्य सफल हो जाएगा। लकी कलर रहेगा आपका व्हाइट कलर। अभी आ रही है मीन राशि, तो मीन राशि ये वीक के लिए क्या कहती है? मीन राशियों के लिए ये वीक थोड़ा मध्यम दिखा रहा है, कहीं पे नेगेटिव शाइन दिखा रहा है। आपको बहुत सारे विचार आ रहे हैं कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, पता नहीं चल रहा है। अचानक से नींद में जाग जाते बैठ जाते हो, तो आपको क्या करना है, आपके पिल्लों के नीचे 11 लौंग, 11 तमालपत्र, 11 कपूर लेके आपको वहाँ पे एक पोटली बना के, काले कलर की पोटली बना के सिरहाने के नीचे रख देनी है। और हो सके तो गुट्ठा नाइफ रखना है, जो चलता ना हो वो, उससे इसे क्या होगा कि आपको नींद अच्छी आ जाएगी। जो भी थॉट्स नेगेटिव आ रहे वो भी चले जाएंगे। हो सके तो गौमूत्र से स्नान करना है तो काफ़ी नेगेटिविटी निकल जाएगी, या तो रोक सोल से भी स्नान कर सकते हो। और आपको लगता है कि मैं काफ़ी जानकारी है, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि आपको एनिमल्स भी अवेक कर रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना है कि मैं कहीं खाई में तो नहीं गिरा। जो भी करे 2 व्यक्ति को पूछ के एडवाइस लेके फिर आप आगे बढ़े, तो आपका काम सफल हो जाएगा और सक्सेसफुल मिल जाएगी। तो ये भी ये थोड़ा आपको संभालना है। लकी नंबर रहेगा आपका 1 नंबर, और लकी कलर रहेगा और येलो कलर और रेड कलर। तो ये वीक के लिए आपको साईं कॉस्मिक एनर्जी सेंटर की ओर से बहुत बहुत ही शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। मेरा मोबाइल नंबर है 9820692303।